हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? बच्चों, जरा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो ख़त्म हो गया है, तो इसका जो सल्यूशन हम आपके सामने लेके आए हैं, सो जो 2023 का में अभी पेपर हुआ 29 अप्रैल को, तो इसका सल्यूशन जो बुकलेट एक मेरे सामने है, हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अप्रोप्रिएट आंसर थे। सो ये बुकलेट है मेरे पास, एन कोड है इसका, आपके कोड अलग होंगे, सो कोड के मुताबिक पेपर के क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, पर जो क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे अगर हम बात कर लें कि पहले सेक्शन की, तो ये क्वेश्चन आपके आगे पीछे होंगे पर क्वेश्चन नहीं होंगे इस कोड के मुताबिक। सो आप अपने कोड के मुताबिक भी इससे मिला सकते हैं। सो इसका जो गाइडलाइंस थी, जैसे मैंने पहले आप अपनी पहली वीडियो में बताया था, 100 मार्क्स हैं, 80 क्वेश्चंस थे। सेम वही चीज़ है, आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन जो यूज़ करना था, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल इसमें थे, वही से मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, ये सब सारा वैसा ही था जैसा पहले में बताया था, ठीक है। 20 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और लैंग्वेज के हैं, वो भी 20 क्वेश्चन है। सो मार्क्स भी आपको दिए गए थे, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जैसा आपको ये भी पहले बताया था। और एक ये लाइन को देखने की ज़रूरत है बेटा, जो 10 नंबर पे लिखी है, यू मस्ट टू अटेम्प्ट ई क्वेश्चन ऑफ ई सेक्शन बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाइड ई सेक्शन सेपरेटली। आपको हर सेक्शन को सेपरेटली क्वालिफाई करने की ज़रूरत होगी, जैसे हर पार्ट के आपको सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी होंगे। ये नहीं कि 2 कर लिया उसमें पूरे नंबर ले लिया और इसका कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो लैंग्वेज में अगर आप डिसक्वालीफाइड हो गए तो आप पेपर क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो सभी पार्ट को क्वालिफाई करना ज़रूरी था। आइए अब पेपर को हम हल करते हैं। तो आइए हम अब पार्ट ए शुरू करते हैं। पार्ट ए सेक्शन है, ये पेपर इंग्लिश मीडियम में है, चाहे इंग्लिश मीडियम, पंजाबी मीडियम का, किसी मीडियम का हो बच्चों, क्वेश्चन तो सेम होंगे। सो देखो, पहला क्वेश्चन जो था इसके सिमिलर, जो इन चारों में से जो हमें अलग क्वेश्चन अलग चित्र ढूंढना था, तो ये बहुत ही सिंपल है। ये तो तीनों कहीं ना कहीं सेम है, ये अलग है। इस बच्चे ने भी टिक किया है ये पेपर, उसने ठीक ही किया है, ठीक है। सो ये वाला देख लेते हैं, इसमें भी देखो ये एरो, यहाँ भी एरो, यहाँ भी एरो, और ये एरो अलग है। सो ये चित्र अलग है, बहुत ही सिंपल है ये भी। इसमें देख लेते हैं, इसमें ये टिक किया है और ये सही भी आंसर है। सो इसका, क्योंकि इसके यहाँ दोनों तरफ इक्वल हैं, यहाँ दोनों तरफ बने हैं, यहाँ दोनों तरफ, यहाँ इस तरफ नहीं बना, सो ये अलग है। अगला चित्र देखते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर ये कह सकते हैं ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, इसमें ज़्यादा पॉइंट पे हैं, सो ये इसका अलग है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर ये आएंगे, ठीक है। तो इसके लगभग जिसने भी किया वो पेपर बिल्कुल सही किया है। अब इसमें देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा चित्र हमें इन चारों में से ढूंढना है। तो देखिए, ये चित्र अलग है, ये भी चित्र अलग है, ये चित्र देखो, यहाँ से यहाँ से ये दोनों लगभग मिलते हैं, पर यहाँ पर ये लाइन आ गई है जो इसमें नहीं है, तो इसका सी आंसर आएगा। अब 6th का देख लेते हैं, बिल्कुल ऐसा मिलता जुलता बी, हाँ देखने में पता लग रहा है, वेरी सिंपल, बी सभी का सही होगा। 7th का जो देख लो, हाँ ये ठीक है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। सो 7th का, 8th का, 8th का भी देखने में वेरी सिंपल, 8th का ए, तो ये भी चारों जो हैं आंसर सही हैं, इसके भी चारों आंसर यही आएंगे। नेक्स्ट आइए पार्ट 4 का देख लेते हैं। तो ये चित्र कंप्लीट करना होता है, सो यहाँ पे कौन सा चित्र आएगा, तो देखने से पता लग रहा है कि ये चित्र आएगा वेरी इजी, इसका आंसर ए है। आगे देखो ये वाला 10वें में, सो कौन सा, देखने में तो चारों एक जैसे हैं, पर जो उठा के ऐसे ही सेट हो जाए, सो इधर को मुँह आके, इधर को आके ऐसे होना चाहिए, सो इसका आंसर बी होगा, क्लियर है। आगे 11th देख लो, 11th थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इसको हम जैसे देखना है कि यहाँ जैसे ये बना है वैसे इधर बनेगा, और इससे टच नहीं है, तो इससे थोड़ा सा दूर करके आप यहाँ पे बनाएंगे, तो ये वाला आंसर जो है ये भी ठीक है, ठीक है, तो इसका भी आएगा।
अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और इसमें देखो इसमें कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। पहले तो एक यहाँ पे 1+ है, 2+, 3+, तो इसमें सभी में देखना है यहाँ पे क्या आएगा, 1+, 2+, 3+ और 4+। तो यहाँ पे अगर हम इसको बढ़ा दें और यहाँ 4+ का निशान बना दें तो कुछ ऐसा चित्र बनेगा। तो ऐसा चित्र ये वाला सी, ये भी आंसर सही है, ठीक है, इसका सी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे हम पार्ट 5 के, ये आगे चित्र बढ़ते क्रम में क्या आएंगे। सो यहाँ पे 1, 2 सर्कल, 3 और यहाँ पे 4 सर्कल। तो यहाँ पे 3 है, नहीं आएगा। 4, 4 सर्कल, यहाँ पे 3 सर्कल हैं, ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में से एक होगा। पर ये देखें, यहाँ पे ऐसे आके नीचे, ऐसे आके नीचे, ऐसे आके नीचे, एक एक बढ़ता जा रहा और मुंह नीचे है इसका, और जबकि इस चित्र में इधर हो गया है। सो ये नहीं आएगा, नीचे है, इसलिए इसका बी आंसर ठीक है। आगे देखो ये भी है, जैसे यहाँ पे अब हम स्केयर गिनते हैं, 1, 2, 3, 4 स्केयर, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 2। सो एक एक स्केयर कम होता जा रहा है और जो सर्कल है वो एक एक बढ़ता जा रहा है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे 4 सर्कल हो जाएंगे। सो इसका आंसर डी, ये भी सही है। आके देख लो यहाँ पे बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे एक और डॉट लग गया, फिर एक यहाँ पे आके एक सर्कल लग गया, फिर यहाँ पे एक डॉट लग जाएगा। तो ऐसा आंसर जो है ये सी है, ठीक है, ये भी सही है। अब ये सिंपल है, एक एरो इधर थी, फिर एक एरो इधर आ गई, फिर एक एरो इधर आ गई, अब एक एरो इधर आ जाएगी। सो ऐसा उत्तर जुड़ा, इधर एरो, फिर इधर एरो, फिर इधर, फिर इधर, डी इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। आइए पार्ट 6 अब हम देख लेते हैं। सो पार्ट 6 में था जो इसके मुताबिक, जो इसमें चेंज हुई है उसके ही इसके मुताबिक इसमें चेंज होगी। सो इस चित्र के बाद, इस चित्र में जो डायगोनल खींच के उसके बाद ऐसे लगा दिए, तो ऐसे इसमें करना है, डायगोनल खींच लेना इधर को और बीच में वो आ जाएगा। सो ये दो चित्र मिल रहे हैं पर ये डायगोनल इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ लेना है, इसका आंसर सी है। 18th का देखो, एरो के अंदर की तरफ है, इधर से भी एरो अंदर की तरफ है, तो इसमें एरो बाहर की तरफ हो गए और ये सेंटर पॉइंट में ऐसा बन जाएगा। सो ये जो हैं बाहर की तरफ हो जाएंगे, ये भी बाहर की तरफ हो जाएंगे, वो सेंटर में सर्कल बन जाएगा। सो इसका आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है, बी। अगले में देखिए, ये 19 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है ये क्वेश्चन, क्योंकि दो एरोस थी तो एक को उल्टा कर दिया गया इस एरो को। सो इसमें इस एरो को उल्टा करना ऊपर वाली को कि नीचे वाली को, क्योंकि इसमें जो है ऊपर वाली एरो को उल्टा किया गया और सी में नीचे वाली एरो को उल्टा किया गया। सो ये 19th डाउटफुल रहेगा। सो आगे 20th देख लिए, 20वां जो है इसको अब सिर्फ ऐसे राउंड कर दिया गया, ये वाला जो है ऐसे घुमा दिया गया। सो ऐसे घुमाने पे इसको भी घुमा देंगे तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये प्लस इधर चल जाएगा। सो इसका आंसर ये ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये इसमें क्या डालें कि ये पूरा ठीक हो, जो कवर हो जाए पूरा सर स्क्वायर। सो ये वेरी सिंपल है, इसमें सभी आए। सो इसका आंसर बी आएगा। इसका देख लो, इसको सर्कल कवर करना है पूरा। सो इसका आंसर जो है ये बी आएगा, इसको यहाँ पे सेट करने से सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये भी देखो बच्चे ने किया है बिल्कुल सही, यहाँ पैसे बना के इसके बाद इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, बाकी में देखो ये यहाँ पे किनारे पे उठा हुआ आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ किनारे पे उठा हुआ, यहाँ उठा नहीं है, ये तो बिल्कुल लगा पर यहाँ पे उठा नहीं, यहाँ पे उठाएगा। सो इसका आंसर ए है। 24th देख लो, इसको पूरा करने पे ऐसा चित्र बनेगा बिल्कुल कुछ मिलता जुलता ऐसा, हाँ इसका आंसर ये सही है, डी। सो पार्ट 7 में मिरर इमेज का क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। सो अगर ये मिरर है तो इधर ही ऐसे चित्र बनेगा और ये दो पॉइंट जो हैं मिरर के पास ही रहेंगे, ये दूर चले जाएगा। सो इधर चाहिए दोनों सर्कल, तो इसमें ही है और ये थोड़ा दूर चला गया और ये सीधा, यस दिस इज़ राइट आंसर, ये सही है। और इसमें एरो ऐसे मिरर के तरफ ही रहेगी और यहाँ पे सर्कल। सो इसमें ऐसी एरो कौन सी है, ये वाली जो इधर मिरर की तरफ मुंह है, तो एरो का इधर रहेगा। सो इसका आंसर बी है।
27 देख लेते हैं, इसमें पी ऐसे होगा, वी और ए ऐसे ही रहेगा। सो पी का मुँह इधर की तरफ, बी सीधा ही रहेगा, इसमें पी ए उल्टा हो गया, पर ए जड़ा जो है वो सीधा ही रहेगा। सो इसका आंसर बी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 28 का देख लो, सो ई का मुँह इधर मिरर की तरफ, सो ई मिरर की तरफ है और डार्क लाइन, हाँ इसका आंसर सी, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पेपर फोल्डिंग का था। सो पेपर को फोल्ड किया, ओपन किया, तो ऐसा चित्र यहाँ पे आएगा और वो दो इधर चले जाएंगे इधर की तरफ, और सभी के जो ये कोने अंदर की तरफ होंगे। दो ऐसे चित्र हैं पर इसमें कोने एक बाहर हो गया, इसमें अंदर की तरफ है, तो इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें जब इसको इधर ओपन करेंगे तो यहाँ सर्कल, और जब इधर ओपन करेंगे तो एक सर्कल इधर बन जाएगा, एक सर्कल यहाँ इसके बीच में और एक सर्कल इधर, सो दो सर्कल इसमें, इसका आंसर ए। नेक्स्ट जब इसको ओपन करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग, अलग सा चित्र बनाया है एक्चुअली, ऐसा चारों में ऐसे बनता पर ये क्रॉस भी बनाया, सो इसका बाकी तीनों तो बिल्कुल ही अलग हैं, तो इसका सी ही हो सकता है। नेक्स्ट देखो 32 का भी, जब इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक स्क्वायर फिर यहाँ पे ये आ जाएगा और दो इधर चले जाएंगे, सो इसमें जो इनकी शेप बदल दी गई है ये है बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता, ऐसा जो बनेगा बिल्कुल एक इधर आएगा, और ये इसका आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 9। सो पार्ट्स को जोड़ के कौन सा चित्र बनेगा, सो इसमें जब जोड़ेंगे तो ये वाला चित्र, हाँ ये सही है क्योंकि यहाँ पे जुड़ जाएगा यहाँ पे यहाँ पे, सो ये ठीक है, ये इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखो, इसको जोड़ेंगे सो बी का टिक मार किया, हाँ ठीक है क्योंकि ये दोनों को सीधा कर लेंगे, ये वाला जैसे ये दो यहाँ पे दो आ गए और ये वाला डब्बा यहाँ पे लग गया, बाकी तो बिल्कुल ही अलग अलग रहे हैं, इसमें पतला डब्बा ये लंबे हैं, ये नहीं हो सकते, बी आंसर है। और इसको देखो, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे और ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये थोड़ा डिफरेंट है ये वाला चित्र, ये हाँ ये ठीक है, ये थोड़ा अलग हो गए, तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, अब इसको जोड़ेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये इसका आंसर ये है, क्यों, क्योंकि ये इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ये वाला देखो ऐसे बन गया, ये वाला ऐसे है, इसको यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे और ये दो यहाँ पे आ गए, सिर्फ इसमें एक कमी छोड़ दी इन्होंने कि यहाँ पे जैसे डबल है तो यहाँ पे भी एक लाइन मारनी चाहिए थी, सो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट पार्ट 10 का देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये। सो ऐसा चित्र किस में से निकल सकता है, सो ये एम टिक किया है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको हम ये लाइन मिटा दें, इसको छोड़ दें, भी मिटा दें, तो ऐसा कुछ चित्र इसमें से निकल सकता है, बाकियों में से नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखो, ये ऐसा चित्र, ये जो लाइन इसके पास है पर ये दूर चला गया है, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ 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 से निकल सकता है, डी इसका आंसर। नेक्स्ट इसका देखो, दो लाइनों के बीच में गोल, सो दो लाइनों के बीच में गोल यहाँ से निकल सकता है, दो गोल यहाँ पे नहीं है, दो लाइनें इधर चाहिए नहीं थी, दो लाइनें इधर नहीं है, सो इसका आंसर ए। एल देख लो, ऐसा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिल सकता है, यस इसका आंसर बी। सो आइए मैथमेटिक्स को हल करते हैं। सो आइए बेटा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैथ पार्ट ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस, सो वी गेट दिस, इसको सिंप्लीफाई करने से हमें क्या मिलेगा, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, देखो इसको करने के लिए पहले हमें ये जो बार डाला इसके ऊपर का सॉल्व करना है, सो ये आ जाएगा 10 × 10, ये तो बाहर है, इसको लिख सकते हैं 100 + 400 डिवाइडेड 100 माइनस 50 माइनस 3 × 10 30 आ गया, 50 माइनस ये 30 बन गया, 3 × 10 30 हो गया ना, तो 50 में से 30 गए, 50 में से 30 गए 20, सो 100 माइनस 20 ये सारे की वैल्यू 20 बन गई, ठीक है। 50 में से 30 माइनस किया 20, और ये आ गया 100 + 400,
अब 100 में से 20 गए तो आगे 80, और 400 को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 5 = 40, 5। ठीक है, 400 को 80 से डिवाइड कर दो 500, 100, 500, 100 + 5, 105 इसका आंसर है। सो इसका आंसर जो है वो 105 D आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेना। 1 किलोमीटर लॉन्ग गुड्स ट्रेन इज रनिंग विद ए स्पीड, 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन है जो उस कितनी स्पीड से रन कर रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द गुड्स ट्रेन टू पास ए 2 किलोमीटर लॉन्ग टनल। सो टनल की लंबाई कितनी है, 2 किलोमीटर। सो आइए चीज़ें देखते हैं। एक तो इसने दिया है कि 1 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई 1 किलोमीटर है, और ये एक टनल को पास कर रही है जो 2 किलोमीटर लंबी है, और टनल 2 किलोमीटर लंबी है, और इसकी जो स्पीड है वो 45 स्पीड, ट्रेन की स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर आवर है। सो टनल को कितने टाइम में पास करेगी, इसका आंसर जो है वो मिनट्स में है। सो हमें इसको मिनट में लेके आना है। सो देखो, मैंने आपसे बताया था ट्रेन की लंबाई और टनल को पास करना। जैसे मान लो ये टनल है, अब इसमें कोई ट्रेन एंटर कर रही है, तो अगर टनल 2 किलोमीटर है और ट्रेन 1 किलोमीटर लंबी है, तब जब यहाँ से ट्रेन घुसेगी तो जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक उसको पूरा क्रॉस नहीं मानेंगे। सो इसकी टोटल लंबाई हम 3 किलोमीटर लेंगे। सो डिस्टेंस हमारा 3 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, वो 45 किलोमीटर पर आवर है। पर जो क्वेश्चन में आंसर हमारा मिनट में है, सो आवर को हम मिनट में बनाएंगे। सो ये आ गया 45 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट एक आवर में 60 मिनट होंगे। सो ये आ गई हमारी स्पीड। अब हमें निकालना है टाइम। सो हमारा फार्मूला था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, और टाइम निकालना है तो स्पीड नीचे चल जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, स्पीड आ गई 45/60, ये आ गई हमारी स्पीड। ठीक है, 45 किलोमीटर/60 मिनट। सो किलोमीटर तो कट जाएंगे, आ गया 3, ये जो 45/60 है ये उल्टा हो जाएगा, 60 ऊपर 45, 60 ऊपर और 45 नीचे, तो 3 के टेबल पे 15, 15 और 15 चौके 60, 4 मिनट। सो इसका आंसर आएगा 4 मिनट। सो इसका आंसर है 4 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रहीम गोट 100 मार्क्स मोर देन दिनेश, जोर्स गोट 25 मार्क्स मोर देन रहीम। सो रहीम ने 10 नंबर ज़्यादा लिए दिनेश से। सो दिनेश के नंबर मान लेते हैं, मान लो दिनेश के नंबर मान लेते हैं एक्स। अब रहीम ने 10 नंबर ज़्यादा लिए दिनेश से, सो रहीम के नंबर कितने आ जाएंगे, रहीम ने दिनेश से 10 नंबर ज़्यादा लिए, दिनेश के एक्स मान लिए और रहीम के आ जाएंगे 10 नंबर ज़्यादा, x+10। उसके बाद जॉर्ज ने 25 मार्क लेस लिए देन रहीम से, सो जॉर्ज के कितने नंबर आ जाएंगे, रहीम के नंबरों का 25 लेस लिया। सो दिनेश आ गया, रहीम ने 10 नंबर ज़्यादा लिए दिनेश से, दिनेश के नंबर हमने मान लिए एक्स, रहीम ने इससे 10 नंबर ज़्यादा लिए, 10 ऐड कर दिए, और ये रहीम के नंबर आ गए, और जॉर्ज ने रहीम के, ये जो रहीम के नंबर हैं इससे 25 नंबर कम लिए। ठीक है, और इन तीनों जो टोटल नंबर है वो 235 है, तो इन तीनों का जोड़ 235 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। एक्स देखिए यहाँ करते हैं, एक्स दिनेश के नंबर, उसके बाद x+10 रहीम के नंबर, उसके बाद x+10 - 25, x+10 - 25, ये तीनों नंबर जोड़ के जोर्स के, ये 235 है। टोटल कितना है, 235। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x 3x आ गया, 10 20 आ गया,
माइनस 25 235, 3x ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस 5 रह जाएगा 235, 3x बराबर 235 और 5 उधर ऐड हो जाएगा। सो 3x बराबर, अब देखिए 235 में 5 जमा है 240, एक्स बराबर 240 बटे 3, 84 80 आ गए, कितना आ गया काट के 80 आ गया। सो यहाँ पे सीधे आ जाएंगे रहीम के नंबर, एक्स की वैल्यू 80 आ गई, सो रहीम के नंबर आ जाएंगे 80, ए दिनेश के 80 आ गए, रहीम के आगे 80 प्लस 10 90 और ये आगे 80 प्लस 10 90 माइनस 25 65, ठीक है 65 आगे जोर्स के। सो किसके नंबर पूछे इन्होंने, जोर्स के, सो जोर्स के आगे 65, इसका आंसर था 65 आना। इसके बाद हम 44 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी रेक्टेंगुलर टाइल्स ऑफ डायमेंशन 10 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ हॉल हैविंग डायमेंशन 12 मीटर टू 10 मीटर। सो इसमें बेटा मीटर है और इसमें सेंटीमीटर है, इसका याद रखना। सो 44th क्वेश्चन है, एक हॉल है जिसकी डायमेंशंस है 12 मीटर और 10 मीटर, इसमें टाइल लगवानी है, एक टाइल की डायमेंशन 10 इंटू 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको कैसे करना, पहले पूरे की एरिया निकाल लेंगे, फिर टाइल का 1 के एरिया से डिवाइड कर लेंगे। सो टोटल एरिया बन जाएगा 12 इंटू 10, ये मीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ये मीटर में था, ठीक है। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी सेंटीमीटर बन गया, और 10 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा ये पूरा एरिया। और टाइल का जो 10 बाय 8 है, एक टाइल का एरिया 10 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एरिया हो गया इन सेंटीमीटर और एक टाइल का एरिया, इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। सो 10 से 10 कट गया, ये 4 2 8 और 4 3 12, और ये 2 के टेबल से 100 को काट दो 50, सो आ गया 3 इंटू 100 इंटू 50, 300 और 50, तो 3 5 15, 1 2 3 जीरो लग गई, ठीक है, 15,000 टाइल्स, इसका आंसर आ गया 15,000 टाइल्स। सो इसमें 15,000 टाइल्स बी, सो इसका आंसर बी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ था बेटा, बहुत ही टफ एक क्वेश्चन था, इसको थिंकिंग एबिलिटी आपकी बहुत चाहिए थी कि ए 1250 मीटर लॉन्ग ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, इट कवर्स अनदर स्टेशनरी ट्रेन, एक 1250 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक किलोमीटर डिस्टेंस 2 मिनट में तय करती है, इट कवर्स अनदर स्टेशनरी ट्रेन इन 4 मिनट्स, एक रुकी हुई ट्रेन को ये 4 मिनट में कवर करती है, लेंथ ऑफ दी स्टेशनरी ट्रेन निकालनी थी। तो इसमें आपने ऑब्वियसली कंफ्यूज होना था, सो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। आप देखो पहले यहीं से दिमाग लगाएगा हमारा कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसमें 2 मिनट में कवर किया, और जो रुकी हुई ट्रेन को दो मिनट में वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 4 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको कि ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 2 मिनट में कवर किया, तो हमें पूछा गया है कि 4 मिनट में कितना, तो 4 मिनट में वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर जाएगी, ठीक है, 4 में 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर को हम 2000 मीटर समझ सकते हैं, ठीक है, 2000 मीटर आ गया। अब एक रुकी हुई ट्रेन को वो कवर कर रही है, सो कुछ लंबाई रुकी हुई ट्रेन की होगी और कुछ लंबाई उसकी अपनी ट्रेन की है जो 1250 मीटर है, पर 4 मिनट में वो पूरा 2000 का डिस्टेंस कवर करती है, ये 2000 हो गया जो 4 मिनट में कवर करती है। सो जगर बाकी रुकी हुई ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, टोटल 2000 आ गया, ये इसका 1250, तो 2000 में से हम जब 1250 निकालेंगे
तो ये बनेगा, बाकी रहेगा 750। सो ये रुकी हुई ट्रेन का जो डिस्टेंस था वो लंबाई 750, इसका आंसर जो है वो सी आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240 इफ़ द प्रॉफिट इज 10% देन सेलिंग प्राइस इज डैश। सो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240। सो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 240 है, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट प्रॉफिट जो है वो 20% है, देन सेलिंग प्राइस ऑफ, तो अपन हमने सेल प्राइस निकालना है, ठीक है। इसको देखो बेटा कैसे हमने मान के चलना है कि अगर मान लो कि कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ, जैसे मानने वाले सवाल समझाए थे 100 है, तो इसमें 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेल प्राइस उसका 20% प्रॉफिट से 120 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका सेल प्राइस निकालना, तो मैंने एक वीडियो में बताया था सेल प्राइस को इधर रखेंगे, तो इसमें जो है डिफरेंस जो, तो इसमें हमने कॉस्ट प्राइस हमारा 100 आ गया और सेल प्राइस आ गया 120। अब कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। जब 20 का डिफरेंस है तो सेल प्राइस कितना, 120। आपने सवाल को ध्यान से यहाँ देखना कि हमें डिफरेंस 240 दिया है, सो एक डिफरेंस का और एक जो है हमारा सेल प्राइस का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डिफरेंस 240 दिया है सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो हमें सेल प्राइस निकालना है। तो एक हमने एक डिफरेंस ले लेना है अपने सवाल के, कि 100 से 120 बनाया तो डिफरेंस हमारा 20 है, तब जब सेल प्राइस था 120, यहाँ से हमारा रिलेशन बना। सो जब डिफरेंस एक होगा तो सेल प्राइस कितना होगा, 120 बटा 20 कर देंगे, और जब डिफरेंस 240 होगा तब सेल प्राइस कितना होगा, ये निकाट लो, 06 आ गया। सो जब 240 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 240 इंटू 6, 6 छक्का 24, 2 1440। सो इसका आंसर जो है वो 1440 बी आना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 360 ग्राम इज बट परसेंटेज ऑफ 3 kg। 360 ग्राम जो है 3 kg का कितना परसेंट है, ये सवाल सिंपल ही है कि 360, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 47। 47 कैसे, 360 ग्राम 3 kg का कितना परसेंट है, तो ये ग्राम है ये केजी है, इसको भी ग्राम बनाएंगे, 360 ग्राम बटा 3 kg यानी 3000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, तो 3 किलो में 3000 ग्राम आ गए। इसको काट दो 00, और ये 36 बटा 300, 3 के टेबल से 12, और ये ऊपर है नीचे रह गया 100, 12/100। सो इसको हम परसेंटेज में देना है, सो इसको जब परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 100 से 100 कट गया, ये आ गया 12%। सो इसका आंसर ए आ गया, 12%, ठीक है। अगला देख लेते हैं 48, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। एक डीलर जो गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए शेयर एट ए गेन ऑफ 15% ही सेल्स इट एट ए गेन ऑफ 8%, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द शेयर इज दैस। मतलब कोई डीलर है जो एक तो 15% वो प्रॉफिट पे बेचता है, और अगर वो 8% प्रॉफिट पे बेचता तो उसको 56 रुपीज़ जो लेस प्राप्त होते, तो उसका जो है हमने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सो बेटा रिलेशन ही बनाना है, हम रिलेशन बनाएंगे कैसे बनाना है, आइए मैं बताता हूँ रिलेशन कैसे बनाना है। देखो ध्यान दो, एक तो इसका 56 जो डिफरेंस है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस उसका 100 मान लेते हैं। अगर वो 15% प्रॉफिट पर बेचे तो 115 में बेचेगा, 15% प्रॉफिट में बेचे तो 115 में बेचेगा, और अगर वो 8% प्रॉफिट पे बेचे, जैसे 8% में कहा है, तो वो 8% प्रॉफिट में बेचे तो 108 में बेचेगा। तो इन दोनों प्रॉफिट में कितना, 7 का डिफरेंस आ गया ना, 108 से 115 जाने में 7।
सो यहाँ से रिलेशन हम बनाएंगे कि जब 7 रुपीज़ का डिफरेंस है तो उसका सीपी कितना है, 100 रुपीज़। सीपी कितना है, 100 रुपीज़। सो हमें 56 का डिफरेंस है और हमें क्या करना है, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो वही 1 रुपीज़ के डिफरेंस पे कितना आ जाएगा, 100/7, और हमें 56 पे कितना आ जाएगा, 100/7 × 50, 7 × 8 = 56, 800। सो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, समझने की बात है, अगर समझ लग गई तो सवाल होगा, नहीं तो काफ़ी टफ है। इसका आंसर 800 जो बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 49th क्वेश्चन। 49th भी कोस्ट टफ था। ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स वेंट टू ए पिकनिक। 80 बच्चों का जो ग्रुप है पिकनिक में क्या, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आज गर्ल, 20% गर्ल्स हैं, रेस्ट ऑफ बॉयज बाकी लड़के हैं। हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडेड टू मेक दी बॉयज 70%। तो हम कितनी लड़कियां और ऐड करें कि बॉयज़ की परसेंटेज जो 70% हो जाए, इसको कैसे करना था वो देखते हैं। सो ए ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स, 80 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 20% स्टूडेंट्स गर्ल्स थी, तो 80 का 20% निकालेंगे, 80 × 20/100, 16। सो 16 जो गर्ल्स आ गई, 80 में से कितनी गर्ल्स आ गई, 16 गर्ल्स आ गई। तो बॉयज़ कितने बचे, 80 में से बाकी हम 16 निकाल देंगे तो 64 बॉयज़ आ जाएंगे। सो ये 80 में से पहली कंडीशन है कि 16 लड़कियां और 64 लड़के। अब हमें क्या करना है कि लड़कों को हमें 70% बनाना है। तो अगर 80 का 70% निकालें, 80 का 70%, सो 80 × 70/100, यानी 0000 7856, 56। 80 का 70% लड़के बनाने के लिए हमें 56 लड़के चाहिए। तो बाकी लड़कियां कितनी बचेंगी, 80 में से 56 निकाल देंगे, 4 × 7 = 24। तो अगर 24 लड़कियां और 56 लड़के लेते तो 56 लड़के जो हैं वो 80 का 70% हो जाते हैं, और लड़कियां कितनी हो जाती हैं, 24। पहले लड़कियां कितनी थी, 16। सो कितनी लड़कियां बढ़ानी पड़ेंगी हमें, 8। सो अगर हम 8 लड़कियां और बता दें तो लड़कों का परसेंटेज वो 70% हो जाएगा। सो क्वेश्चन यह था, बट हाउ मैनी गर्ल्स शुड बी एडेड, तो कितनी गर्ल्स ऐड करें, 8। इसका आंसर आएगा 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। सो 50 नंबर देख लो बेटा, ये भी काफ़ी टफ था, सारे क्वेश्चन अभी तक टफ चल रहे हैं। दिल लेंथ ब्रेथ एंड एक वाटर टैंक था, एक वाटर टैंक दे दिया, मान लो कोई वाटर टैंक है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 11 है, ब्रेथ 10 है और हाइट 9 है। सो इसमें जो 6 मीटर तक पानी भरा गया है, सो मान लो ये है इसका ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया 11 और ये हाइट है 9 मीटर। ध्यान देना, ये ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, उसकी जो है हाइट 9 मीटर है, दी हाइट 9 मीटर है, दी टैंक फिल्ड विद वाटर 6 मीटर हाइट, तो 6 मीटर तक पानी भरा है। तो यहाँ तक मान लो, यहाँ तक 6 मीटर तक इसमें पानी भर गया, अगर 9 में से 6 पानी भर गया तो 3 जो ब्रेथ वो हिस्सा खाली रह जाएगा, लेंथ ब्रेथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दी एम्प्टी पोर्शन ऑफ दी वाटर, तो हमें पानी कितना टैंक का एम्प्टी पोर्शन है, वॉल्यूम का कितना एम्प्टी पोर्शन है वो निकालना था। सो यहाँ से 2 वॉल्यूम आए, एक पूरा वॉल्यूम जो आएगा 11 × 10 × 9 लेंथ ब्रेथ हाइट, ये आ गया 990, 11 × 990 = 0, और जो पानी का भरा हुआ एरिया है वो कितना आएगा, 11 × 10 × 6, और जो पानी खाली है 11 × 10 × 3, 6 तक भरा है ना, ये 3 हाइट ये वाला पानी खाली है, ठीक है, हाइट जो 3 है वो खाली है और लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी, तो ये 330 आ गया। सो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा था, एम्प्टी पोर्शन का एरिया, सो एम्प्टी पोर्शन 330 है बटा टोटल पोर्शन, सो ये काट के 0 0 3 3 0 33 0 99, सो 1/3 बी जो था इसका आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट देखते हैं,
अगले क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट। सो ये बहुत सिंपल है, जैसे 4.239 इसको डिवाइड करना 0.9 से, सिर्फ आप ये एडजस्ट कर लेते कि इसको दशमलव को एडजस्ट करना था बस, 1, 2, 3। सो इसके जो 3 0 1000 नीचे आ गया और इसका 9 जो है 9 का 1 10 ऊपर चला गया, 9 का 1 0 10 ऊपर चला गया, 1 0 कट गई। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वही बनेगा 400 471। 4239 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 471 बन जाएगा, और नीचे 100 बनना था तो 2 छोड़ के दशमलव, पीछे से 2 अंक छोड़ देने, 1 2 4.71। टफ क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा समझा के करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको आंसर चाहिए, सो कैसे आंसर आए उसको देने के लिए जल्दी से जल्दी ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका 4.71 बी आंसर इसका आएगा, ठीक। 52 देख लेते हैं, नेक्स्ट देखो 52। इफ 15 इज द सम ऑफ कंजेक्टिव नंबर, कंजेक्टिव नंबर होते लगातार, 3 लगातार नंबरों का जोड़ 15 है, देन स्क्वायर ऑफ द मिडल नंबर। ये काफ़ी सिंपल था अगर आपके दिमाग में आता, पहले तो 3 लगातार नंबरों का जोड़ 15 है, मान लो हम मान लेते हैं वो 4 5 6 होंगे, 3 लगातार नंबर है 4 5 6, इनके जोड़ 15 है, 6 4 10 5 15, यस है। मान लो आप मान लेते 2 3 4, 3 लगातार नंबर मान लेते हैं, इनका जोड़ 15 है, 3 2 5 4 9, नहीं 15 है, सो इनको बढ़ाना पड़ेगा, 2 हटाओ 3 4 5 ले लो, इनका जोड़ 15 है, 5 4 9 3 12, नहीं 15, इनको हटाओ बड़े ले लो 4 5 6। इस तरह आप 3 लगातार नंबर फटाफट मान सकते थे जिनका जोड़ 15 हो, 4 5 6 आगे लगातार है और जोड़ 15 है। तो बीच वाले का जो मिडल टर्म का वो स्क्वायर पूछा था, 5 का स्क्वायर 25, वेरी सिंपल आंसर। सो इसका आंसर जो था वो 25 आना था। नेक्स्ट देखते हैं 53 क्वेश्चन। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6। ये काफ़ी सिंपल है बेटा, ये डिवीजन का रूल भी लगना था कि ये डिवीजन का रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3 4। सो 3 से डिवाइड जो, जैसे ये 3 से हो रहा है पर 5 से नहीं हो रहा, सो ये कट हो गया। अब ये तो 5 से हो रहे हैं पर 4 से देखना था, 84 से तो हो रहा है पर 6 से नहीं हो रहा है ना, 6 से हो रहा है नहीं, 6 से नहीं हो रहा है, सो इसका जो ऐसे आंसर है 60 था। सारे रूल देखो, 60 जो है 3 के टेबल में भी आ रहा, 6 में भी आ रहा, 5 में भी आ रहा, और 4 15 चौके 60, तो ये इसका आंसर 60 था, ठीक है। आप इसका अगर इसको करने का एक तो और तरीका था कि आप 3 4 5 6 का एलसीएम बना लेते, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सभी नंबरों से डिवाइड होता है। मान लो 3 से करते 1 4 5, 3 2 6, 2 1 2 1, और ये 5 रह गया यहाँ पे, 2 2 4 1, तो 5 2 10, 10 2 20, 20 60, 60 आ गया इसका आंसर, ठीक है। ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं 54th क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर यूजिंग द डिजिट्स इज दिस। सो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाने, और उनका डिफरेंस ये बहुत ही सिंपल था। सो 4-digit नंबर हम बनाएंगे, ग्रेटेस्ट इससे बनेगा 9740 और स्मॉलेस्ट बनेगा 40, छोटा आगे लेंगे ना 4079, ठीक है। जीरो सामने नहीं लेना क्योंकि 3-digit रह जाएगा। अब इनका डिफरेंस कर देना था 10 9, यहाँ 3 रह गया, 13 हो गया, 1 6, यहाँ 6 रह गया, ठीक है, और ये 5 जोड़ लो, 9 1 10 का 0, असल बच्चे 1 7 6 13 7 6 13, असल 1 14, सो 5 6 6 1 इसका आंसर जो ये आ गया, ठीक है, 5 6 6 1। नेक्स्ट देखते हैं 54, 5555। ये मेरे ख्याल से ये सबसे टफ, कोई सिंपल सवाल था तो यही सबसे सिंपल सवाल था बस, कि 5555 को रिटर्न, ये बहुत सिंपल था, ये बहुत ही सिंपल है, बाकी तो सबसे टफ ही टफ हैं। सो ये जो 55 इसका आंसर डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 56। सो 56 देख लो बेटा, माई वॉच शो 7.05 AM, इतना मेरी बात शो कर रही है, इट इज़ 25 meter फास्ट, ये 25 मिनट जो है तेज है, ठीक है, ये भी सिंपल था, 25 मिनट तेज है।
सो तेज है तो एक्सल में टाइम पीछे होगा ना, तो इसको 25 मिनट पीछे करेंगे तो वो 6:05 है, और ये और 20 मिनट और 6:40, 40 में से 20 जमा कर दो तो 7 बज गए, और 5 और ऐड करोगे तो 7:05 हो जाएंगे। सो 6:40 AM, AM का टाइम है तो AM ही रहेगा। इसका आंसर बनेगा सी, 6:40 AM इसका आंसर आना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 57। 57 क्वेश्चन कैसे करना है। सो 5 सेंटीमीटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर, तो हम सेंटीमीटर को किलोमीटर में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अच्छा ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में आगे 1000 मीटर। सो 1 किलोमीटर में जब सेंटीमीटर बनाएंगे, 1 मीटर में आगे 100 सेंटीमीटर, तो 1000 में 1000 × 100 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में आ गए 1 लाख। 5C पर आ गई ना, 1 लाख सेंटीमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर में पूछा था किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर में कितने आ गए? 1/1 लाख, ये आ गया किलोमीटर। और 5 सेंटीमीटर में कितने आ गए? 5/1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सो 0.00005, 5 छोड़ के दशमलव, 5 0 है ना, तो 5 छोड़ के दशमलव, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया हमारा जो है किलोमीटर। इतने से 5 सेंटीमीटर में 4 0 होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका आंसर सी आएगा। ठीक, नेक्स्ट 58 देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको अपने वीडियोस में समझाया भी था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, डिविजिबल के सारे कंसेप्ट। 4 से कौन से 4 डिजिट नंबर है, कोई भी 4 डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, डिविजिबल बाय 4 डिजिट हो या इससे ज़्यादा हो, तो डिविजिबल बाय 8 कब होता है? जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। 4 से डिवाइड कब होता था? जब उसके लास्ट 2 डिजिट या 0 0 लास्ट 2 डिजिट हो, या मान लो 0 0 हो, या लास्ट 2 डिजिट जड़े जो हैं वो 4 से डिवाइड हो। और 8 के केस में होता है जब लास्ट 3 डिजिट 0 हो या 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो। सो लास्ट 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 8, इसका आंसर डी आना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। 59, HCF ऑफ दिस 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 एंड दिस। HCF क्या था? HCF मैंने आपको बताया था, HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF लेना है हमने, कॉमन लेना था। ठीक है, तीनों में से, इसमें से, इसमें से, इसमें से कॉमन लेना था और मिनिमम लेना था, याद रखना HCF। सो 2^2, 2^3, 2^4, 2^2, ठीक है, 2^3, यहाँ 3^3 है, यहाँ 3^4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3^2, और 5^5, 5^1, 5^1, ये एक तो कॉमन हो तीनों में और मिनिमम हो। सो 2, 3, 5 कॉमन है, 2, 3, 5 कॉमन है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 13 इसमें, इनमें नहीं है। सो कॉमन हो और पावर जो हो वो मिनिमम हो। सो ये जो 2^2, 3^2, 5^1, ये आई थिंक डी, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 60 क्वेश्चन, ये काफ़ी टफ था। सो इसको कैसे करना है, नेक्स्ट आइए फटाफट हम 60 को सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8, 2 नंबर का सम 8 है। सो एक नंबर को मैंने x मान लिया, दूसरे को मैं 8 - x मान लूँगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 8 है। मान लो अगर 3 है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 8 - 3, 5, ऐसे होगा ना। सो यहाँ पे मैंने एक x मान लिया, एक x - 8 मान लिया, और देयर प्रोडक्ट इज 15। सो इनकी गुना पहले नंबर की और दूसरे नंबर की गुना 15 है। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स फाइंड करना है। सो चलो पहले नंबर फाइंड आउट करते हैं। ये आ गया 8x, अंदर मल्टीप्लाई हो गया -x² -15 = 0। ऐसे कंसेप्ट नहीं आपने कम पढ़े होंगे, पर चलो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -8x + 15 = 0। इसको सिंपल करते हैं और इसका फैक्टराइजेशन बनाते हैं। 5x - 3x + 15 = तो x - 5 - 3 x - 5 = 0, x - 5 और x - 3 = 0, x = 3 और 5। सो 2 नंबर्स आ गए 3 और 5, एंड देयर रेसिप्रोकल उल्टा होता 1/3 और 1/5। ठीक है, सम ऑफ देयर, अब इनका जोड़ करना है।
इनका जोड़ एलसीएम ले लो, 15 आ गया, 5 इधर चला गया, 3 इधर आ गया, 8/15। सो 8/15 इज द राइट आंसर। सो इसका जो आंसर है 8/15। ठीक है बच्चों, सो करिए, देख लीजिए अपना पेपर और मिला लीजिए कितने नंबर आपके कितने हैं। इंग्लिश का पोर्शन नहीं कर रहा क्योंकि किसी बच्चे को इंग्लिश होगा, किसी को पंजाबी होगा, वो अपने हिसाब से पेपर को सॉल्व करना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। जैसा भी आपका पेपर हुआ, बहुत अच्छा हुआ होगा। चलो, जो अच्छा नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम के लिए फिर से तैयारी करना फ्यूचर में, ताकि और भी अच्छा आपके साथ हो और आपके पेपर अच्छे जाए। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। इसके बाद चैनल पे बने रहिएगा, और इसके बाद हम आपको लगभग 10 क्लास की 10th की वीडियोस जो अपलोड कर रहे हैं 10th के मैथ से रिलेटेड, सो अगर कोई है तो वो सारी वीडियो दे सकता है, और चैनल पर नए नए जो भी वीडियो आते हैं उनको देखते रहिएगा। ओके।